ब्रेक के बाद वन पीस का न्यू चैप्टर आ चुका है, जिसमें हमें फाइव एल्डर्स की पावर को अच्छे से दिखाया गया है। दिखाया गया है उनकी योकाई फॉर्म्स को, और उसको देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि लूफी एंड क्रू का कोई चांस नहीं है अभी उनको हराने का। हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड था फाइव एल्डर्स को और उनकी पावर्स को। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वन पीस वीडियो, जहां पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 11 10 की। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर दो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जैसे सर्कल से सेटन समन हुआ था, वैसे ही फोर अनदर सर्कल्स सेटन के आसपास अपीयर हो गए थे, एंड मोस्ट लाइकली वहां पर एल्डर्स आने वाले थे। ये तो कंफर्म हो ही गया था। ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लास्ट चैप्टर फिनिश हुआ था। हम दोबारा से ब्लैक लाइटनिंग को देखते हैं, एंड मरीन्स भी आपस में यही बातें कर रहे हैं कि जैसी लाइटनिंग से सेटन अपीयर हुआ था, ये भी बिल्कुल वैसी ही लाइटनिंग है। दूसरी तरफ वेगापोंग की टेलीकास्टिंग अभी भी चल रही है, और वो आपस में कह रहे हैं कि अभी भी 7 मिनट बाकी हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग को रोकने आएगा तो वो इतने से टाइम में कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट आई डाउट दैट, मतलब अगर वो 5 यहाँ तक आए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और अभी भी 7 मिनट बाकी है, मतलब काफी कुछ हो सकता है अभी भी। यहाँ हमें एक मरीजवा का सीन दिखाते हैं जहां पर फाइव एल्डर्स की जगह एक समनिंग सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसमें से सेम लाइटनिंग निकल रही है जैसे कि एग हेड पे उन 4 सर्कल्स में दिखाई दे रही है। फर्स्ट उन सर्कल्स में 4 शेडोज अपीयर होती है, और ये वाला पैनल मुझे बहुत पसंद आया, मतलब बहुत ही सही था। नेक्स्ट पैनल में हमें 5 एल्डर्स नजर आ रहे हैं जो कि अपनी योकाई फॉर्म में है। 5 एल्डर्स खड़े हैं अपनी योकाई फॉर्म में इन फ्रंट ऑफ नीका द सन गॉड लूफी, एंड दैट वॉज द मोमेंट। नाउ आई कांट वेट टू सी दिस सीन एनिमेट, दैट वॉज टोटली अमेजिंग। यहाँ पे 5 एल्डर्स का योकाई फॉर्म के साथ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ध्यान दो, मैं योकाई फॉर्म बोल रही हूँ क्योंकि चैप्टर में कहीं भी डेवल फ्रूट पार्ट्स नहीं कहा गया, योकाई फॉर्म कह के इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप लोग कंफ्यूज है कि योकाई क्या होता है, योकाई एक जापनीज वर्ड है जो कि मॉन्स्टर, डीमंस, गॉब्लिंस जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है इन जापनीज लैंग्वेज। फर्स्ट सेटन की योकाई फॉर्म को हमने पहले ही देख लिया था, जिसका नाम है गयुकी, जो कि एक स्कॉर्पियन जैसी फॉर्म है जिसके पास बहुत सारी टेंटिकल्स हैं, और वो एक मिस्टीरियस ओरा जैसी पावर का यूज करती है जिससे कि वो किसी भी पर्सन को ऑन द स्पॉट फ्रीज कर देती है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कैसे उसने वेगापोंग, सांजी एंड फ्रेंकी को एक ही स्पॉट पर बहुत देर के लिए फ्रीज कर दिया था, और वो अपने ओरा से विदाउट टचिंग अटैक भी कर सकता है, जैसा कि उसने लूफी एंड सांजी के साथ किया था। सेकेंड मास, जिसकी योकाई फॉर्म का नाम है इत्सुमाडे, जो कि एक बर्ड जैसी फॉर्म है। वर्क्यूरी की योकाई फॉर्म का नाम है होकी, जो कि एक बोर्ड जैसी फॉर्म है। उसे हमने ज्यादा एक्शन में नहीं देखा, मतलब वर्क्यूरी को अभी हमने ज्यादा एक्शन में नहीं देखा इस चैप्टर में। ज्यूपिटर की योकाई फॉर्म का नाम है सैंड वॉर्म, जो कि एक्चुअल में एक वॉर्म जैसी दिखती है, और वो ग्राउंड के अंदर से अटैक कर सकती है। ये 4 फॉर्म्स तो ठीक थी, पर जो सबसे ज्यादा कूल थी वो थी वी नुस्चुरो की द बकोत्सो, जो कि एक हॉर्स जैसी फॉर्म है। मीन्स वो नीचे से तो हॉर्स है पर ऊपर से ह्यूमन है, विद बोन्स एंड एक्सपोज्ड मसल। 5 एल्डर्स में से सबसे बेस्ट योकाई फॉर्म मुझे यही लगी। अगर हम उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 5 एल्डर्स की पावर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो को आप मिस ना कर दें। इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो अब दोबारा से चैप्टर पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5ों के 5ों एल्डर्स लूफी के सामने इमर्ज हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था ये पैनल बेस्ट पैनल था। चारों ने आके बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है। नुसुजीरो ने अपनी सोर्ड से सारे के सारे पैसिफिस्ट को अपनी जगह पर ही फ्रीज कर दिया, और वो भी बहुत फास्ट। अब जब हमें पता चली गया है कि नुसुजीरो एक स्वॉर्ड्समैन है, तो फ्यूचर में जोरो एंड नुसुजीरो का फेस ऑफ तो पक्का ही है।
जैसे जैसे नुसुजुरो अपनी सोर्ड से पैसिफेस्टा को इमोबिलाइज करता जा रहा है एंड बाद में जैसे जोरो एंड रोब लूची की फाइट को दिखाया एंड जोरो ने जैसे रोब लूची को अपने हवावा हंट से फिनिश किया, वो एक सेटअप दिखाता है फ्यूचर फाइट का। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल वॉर में हमें इन दोनों की बैटल जरूर देखने के लिए मिलेगी, पर उससे पहले जोरो को मीहोक को हराना होगा एंड वर्ल्ड नंबर वन स्वॉर्ड्समैन का टाइटल लेना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले मीहोक वर्सेस जोरो एंड देन जोरो वर्सेस नुसुजुरो। दूसरी तरफ इंसुटामे मींस मास एगहेड लेबोरेटरी पर अटैक करता है, पर वो बैरियर से प्रोटेक्टेड है फॉर द टाइम बीइंग, पर पता नहीं बैरियर कितने टाइम तक टिका रहेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्ट्रो हैट स्क्रू निकलने की तैयारी कर रहा है, पर जोरो अभी भी रोब लूची के साथ अपनी फाइट में बिजी है, पर अब टाइम बहुत कम है और फाइट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ये सब सुनकर सांजी कहता है कि मॉसेट की वजह से सभी डेंजर में है। और सांजी के स्टोन के बाद नेक्स्ट सीन था रोब लूची फिनिश्ड इन वन इंस्टेंट। यहाँ दूसरी तरफ सेटन एंड जुपिटर मिलकर लूफी से फाइट कर रहे हैं। जुपिटर ग्राउंड के अंदर से अटैक करता है और लूफी को खाने वाला होता है, तभी ब्रोगी एंड डोरी आ जाते हैं एंड जुपिटर के हेड को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। इस सीन को देखकर मुझे लिटिल गार्डन वाला सीन याद आ गया, जब स्ट्रो हैट्स का क्रू निकल रहा था और एक फिश उनको खा गई थी, तभी भी ब्रोगी एंड डोरी ने उनकी हेल्प की थी और ये सीन उससे मुझे थोड़ा सिमिलर लगा। एंड फाइनली लूफी एंड जायंट्स लॉन्ग टाइम के बाद अब रीयूनाइट हुए हैं और वो लूफी से कहते हैं कि वेटिंग अब अनबेरेबल हो गई थी तो हम तुम्हें लेने आ गए, एंड चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब आपका इस चैप्टर पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज फाइव एल्डर्स सच में एक बिग डील है और गॉड लाइक पावर्स पजेस करते हैं। वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट योकाई फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मरीजवा से टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स दे आर मोस्ट फॉर्मेडेबल एनिमी जो कि अभी तक लूफी एंड क्रू ने फेस किया है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये बैटल एक फुल फेस ऑफ होगा, वो कैसे ना कैसे एगहेड आइलैंड से निकल जाएंगे जैसे कि वो होल केक आइलैंड पे से निकल गए थे। जैसा कि उन्हें होल केक आइलैंड पे एक योनको की पावर, एक योनको के लेवल का पता लगा था, वैसा ही यहाँ उन्हें एक एल्डर की पावर और एक एल्डर के लेवल का पता लगा है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर उनको बहुत हेल्प देने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं फाइव एल्डर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज पर वीडियो बनाने वाली हूँ और वो मेरी पहली इस टाइप की वीडियो होने वाली है, सो आई एम होपिंग कि आपको वो वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको भी इस टाइप की वीडियो पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए ताकि मुझे थोड़े आइडियाज मिल जाए अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।